हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। विदिशा जिले की तहसील लटेरी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक एवं नर्सिंग होम पर और बिना मास्क से घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। सबके होगी आदरणीय सर, मैं न्यूज़ इंडिया फोर से नसीम खान आपसे ये जो है आज के हालात के और इस कार्रवाई के बारे में चंद सवाल पूछना चाहूँगा। सर ये किस विषय की कार्रवाई चल रही है सर? कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है इतना ज़्यादा, लोग अभी बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं दुकानों पर, बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। जी जी, तो उन पर सबसे कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बैठ के लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो सब उनसे भी कार्रवाई हो रही है। ये पूरे मुहिम चल रही है। जी सर, तो डिग्री में आपके लिए जो वांछित डिग्रियां हैं सर, वो उस डिग्री का कोई नाम आप बताएंगे क्या सर? डिग्री जो डिग्री जिसके पास हो उसको उतनी डिग्री वाले ही काम करना चाहिए, उतना उपचार करना चाहिए। यानी कि आपके पास डिग्री है कुछ और करने को और आप कुछ और उपचार दे रहे हो। जी जी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी जी, तो सर ये प्रक्रिया, ये जो आपकी कार्रवाई है सर, आज ही के लिए है या हमेशा सतत निरंतर जारी रहेगी? ये चलती रहेगी रेगुलर इंटरवल। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। के ऊपर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई करिए और अन्य डॉक्टर रहते हैं इनके पास फोन आ चुका है साहब, ठीक है ना, इनको सबने इनने भगा दिया और हमारे ऊपर इनने कार्रवाई करी है। जो अन्य डॉक्टर थे जी, उनके पास फोन आ गया? फोन आ गया, वो निकल गए जहाँ से। ये आप सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल सिद्ध करेंगे सर। किसने फोन लगाया उन लोगों के पास? अब ये लोग आए जहाँ से, जी अधिकारी लोग, उनने फोन लगाया, जब ही तो भगे हैं ये लोग। अच्छा, बाकी कुछ डॉक्टर जो है यहाँ से भाग चुके हैं, अपनी दुकानें बंद सर, है ना? हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सभी की बंद होना चाहिए क्लिनिक। जी, सभी की खुलना चाहिए, न्याय बिल्कुल सभी के साथ एक समान होना चाहिए न्याय। नहीं तो न्याय में मेरा ये मानना है सर आपसे कि जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, जी, जिसके पास कागज हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो लोग तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस उनके लिए करेंगे, वो तो है ही नहीं जहाँ भक्त गए। अच्छा, उन्होंने तो अपने कागज नहीं दिखाए? हाँ, कहाँ भाग गए, वो दिखाने चाहिए ना उन्हें। जी जी, जैसे आप कुछ लोगों के नाम बताएंगे कौन कौन भाग गए? नहीं सर, वो नाम नहीं बताऊंगा, यही चक्कर है, वो तो खुद पता चल रहा है। जी जी, कार्रवाई करना चाहिए, मैं क्यों नाम बताऊंगी? जी जी जी, ये तो मतभेद हो गया फिर नाम बताना। जी जी, ठीक है ना। जी जी जी, कार्रवाई करें सब पे करना चाहिए, अधिकारी आए जो लोग सभी कार्रवाई करना चाहिए। हम पे, हम क्या गरीब लोग हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिए, क्या है तुम्हारे कागजात बताओ। आपके पास जो कार्रवाई करने के लिए कौन कौन अधिकारी आए थे? एसडीएम साहब और अपने बघेल साहब जी, डॉक्टर बघेल साहब जी, डीएमओ साहब आए थे। इनने कह दिया आप सतर्क करा दो, आपकी सील कर रहे हैं दुकान जी, और इनके पास इनने फोन लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है, इनने सबने बंद कर दी और जो भगे लोग हम बैठ रहे हैं, हमारे ऊपर कह लगे तुम्हारे पास कार्रवाई होगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनके पास ही प्रूफ नहीं जो भग गए, उनको खोलना चाहिए ना प्रूफ है, तो क्योंकि भगे इनने फोन लगाया जब ही भगे जो। तो आप चाहते हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो या फिर दुकान सबकी साफ खुले? साफ खुले, ऐसे किसी की ना खुले, और खुले सभी खुले। क्या आपने अपने वैध कागज रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपने बताया क्या? अभी नहीं बताया सर, वो तो कल बात होगी, अब कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, ठीक है साहब। न्यूज़ इंडिया फोर के लिए मैं नसीम खान, हिंदुस्तानी। हमारे न्यूज़ इंडिया फोर चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।